थोड़ा थोड़ी इधर और भाई जाने से ये सट कुछ लगी कि पैर पूर कि फसे रिश्ते भर सर कि तो लीक हो रिश्ते कि नहीं थोड़ा टोरो उधर इन मैं कहना सफर ना करा इन कितने डेरे से चली जाए ना डेरे से खुली जगह से रख छड़ कच्ची जगह से इन इतने नहीं लिया पहले तो पैर से खुरदे च कि जख्म होया कुछ चीज बची रेशा पै गया और रेशा जरा कम अज कम 10 to 15 दिन जख्म ला जाने ये पैर एक दो हाँ जी कच्चा रेशा ना जी पकड़ डे एक दो दिन जो बचने वाला नहीं जी है चलाओ थोड़ा जी चलाओ मेरा बच्चा भाई डोर पीछे तरह थोड़ा थोड़ा उधर डॉक्टर छी बजी माई दे गई ओए ना पाड़ा पिया ओ खुरी लटन लगी थोड़ी चलाओ तो रखी मेरे लाके भी आई है तुम इधर टोरो तुम इधर लंगड़ापन का पता लगे कि अच्छा पैर चुके वेखो आ पैर च रस्सी पा के पैर चुको उधर कोई साफ करिए ना इतों जख्म तो विस भी चढ़ सकती है मैं कहना सारा क्लीयर हो जाए तेरा सफर ना कराओ मजन जिन्ना मजन रखोगे ना जिन्ना सफर तो बचाओगे जल्दी आराम आ जाएगा ये रेशा पक गए वगने टीका कोई गल नहीं टीके लगन गए ना दर्द दे रेशा पकान दे ये रेशा सड़ना नहीं जे ये लग जन 3 दिन ये लग जन 5 दिन इन्हें वगना मैंने लेकिन तो मैं तो करके सारी गल सोर चल वेखन डिया मैं परेशानी की गल नहीं इन्हें हूँ वगना देखो जी साडा रोज का काम है रोज का काम है इन्हें लीक होना है रेशा निकलना पीप निकलनी भावें 5 दिनों निकले भावें 3 दिनों निकले उदो इन्हें सुकून होना उन्नी देर तक टकोर टकरा करो मैं सफर तो बचाओ मैं छावे रखो तो कच्ची जगह तो भी होने इतने आ तो गई ढकने डेरे चाहिए कल एक लै जाओगे ना फिर डेरे तो हिलाना बाबा जी बड़ा वाडा एक मसला हल है कहते पहले रेशा मैं सू पता है दर्द के नाल ही किस करी दे पठे नहीं खाने दर्द के नाल ही दर्द पीड़ के नाल तकलीफ तो है हां फर्ज कर भाई जरा जी अगर जानवर के पाँव को चोट लगने की वजह से जख्म लगने की वजह से इन्फेक्शन हो जाए और इन्फ्लामेशन सूजश यानी कि ऐसे महसूस हो रहा हो जैसे जानवर का यानी कि सूजश वाली जगह जो है वो रेशा और पीप बनने का पायोजेनिक बैक्टीरिया की यानी कि दाखले की हमें महसूस हो रहा हो तो हमें इलाज क्या करना चाहिए तो हमने बायोलिंगुअस का इंजेक्शन जो है ये हमने देना है 20 ml डेली और ये फ्लूटिक का इंजेक्शन देना है 15 ml डेली और ये है मेप्रोसन ये हमने 10 ml डेली देना है और टेराजन प्लस की स्प्रे जो है एक दिन में 2 दफ़ा देनी है।